जिस तरह से ईडी लगातार केजरीवाल जी को बुला रही है पूछताछ के लिए, नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे आप कोर्ट में? नहीं तो उनको जाना चाहिए, सामने पेश होना चाहिए। जब कोई आपने, आप अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, तो फिर आप क्यों भयभीत हो रहे हो? ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, वो नहीं जा रहा है, एक आम नागरिक के नाते आपकी क्या राय? गलत है ना, जाना चाहिए ना कि सच्चा आदमी तो जाना चाहिए भाई मैं सच्चा हूँ, और झूठा तो कौन जाएगा? चोरों को तो जाएगा नहीं, और सच्चा को तो जाएगा। यानी कि लुक के कब तक पार पड़ेगी? दो दिन, चार दिन, पांच दिन, आखिर एक दिन तो उसको बंद होना है। मैं बंद हो चाहिए, आप मैं गलत हूँ बंद हूँ, वो गलत है तो बंद होना है तो है ही। और दूसरा कि नफरत की नीयत से नहीं होना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार बीजेपी में, उसमें सब विधायक क्लीन चिट हैं, ये हैं, वहाँ पे भी तो भ्रष्टाचार हो रहा होगा। जब इतने बड़े उस पर ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार, तो वो भी उनकी तो सरकार है, वो भी और ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भी शराब घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार दिल्ली सरकार को मुश्किलें में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल के पास एक के बाद एक कई समन गए, लेकिन वो केजरीवाल जी ईडी के सामने नहीं आए। आखिर में ईडी अब कोर्ट गई है और वहां से आदेश आया है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। बहरहाल ये राजनीति दिल्ली में चल रही है, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात है तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि उनकी राय जानने के लिए, उनके बारे में लोग क्या जानते हैं, हम पहुँचे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरविंद केजरीवाल और यहाँ की सरोजिनी नगर मार्केट, जो कि पूरे भारत से लोग आते हैं, जहां पर देश देश से लोग आते हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, और इससे अच्छा भला जो एक आम राय होता है वो कहीं नहीं मिल सकता। हमारे साथ कुछ मार्केट के लोग हैं जो कि केजरीवाल जी की विधानसभा से हैं, और ये लोग यहां पर हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से ईडी लगातार नोटिस दे रही थी केजरीवाल जी को कि भाई आप पूछताछ के लिए आए, वो नहीं आ रहे थे, अब कोर्ट गई है ईडी, मुश्किल क्या लग रहा है, कि मुश्किल बढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल का? जी ये एक तो हमें देखते हुए लग रहा है ये चुनावी स्टंट है। आज ही क्यों, आज से दो साल एक साल पहले क्यों नहीं किया गया ये सब? अगर वो केजरीवाल जी गलत थे ही तो ये चुनाव के वक्त क्यों, इससे पहले भी ये काम किए जा सकते थे। ये एक चुनावी स्टंट है, और मेरा इंडिया की सरकार से अपील है कि इस वक्त ना किया जाए, ये ही इलेक्शन के बाद किया जाए तो हम बेहतर समझेंगे। ये तो सरकार नहीं, ये तो ईडी एक डिपार्टमेंट है, और हालांकि आप जो बोल रहे हैं, आरोप ये भी लग रहा है ये सारी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है। भाई ईडी को भी हम यही कहना चाहेंगे कि अब चुनाव का वक्त है, ये सारी कार्रवाई टाल दिया जाए, चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद करा जाए। अगर केजरीवाल जी गलत हैं तो गलत साबित होंगे, और सही हैं तो सही साबित होंगे। बिल्कुल, जो पहली राय आई यहाँ से वो ये है कि चुनाव तक इसको टाल दिया जाए, ये लोग यही कहें, और भी लोग हैं। सर आप बताइए, जिस तरह से ईडी लगातार केजरीवाल जी को बुला रही है पूछताछ के लिए, नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे आप कोर्ट में? नहीं तो उनको जाना चाहिए, सामने पेश होना चाहिए। जब कोई आपने, आप अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, तो फिर आप क्यों भयभीत हो रहे हो? और जो ये जितने भी विभाग हैं, ये किसी सरकार के अधीन नहीं है, इनका अपना काम करने का तरीका है, इनका ये किसी के अधीन नहीं काम करते हैं। ये गलत है, ये सरकार के अधीन है, ये डिपार्टमेंट सरकार के अधीन नहीं है। और अगर केजरीवाल जी, अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप क्यों डर रहे हो? आप जाओ पेश हो। तो केजरीवाल जी अगर जो नापाक हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो ईडी के सामने जाना चाहिए। बिल्कुल। सर आप अपना नाम बता दीजिए। राजेश अग्रवाल। राजेश जी आप क्या करते हैं? हम दुकान है छोटी। सर क्या कहेंगे जो दिल्ली की सरकार है केजरीवाल जी, उनके खिलाफ जो ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, वो नहीं जा रहा है, एक आम नागरिक के नाते आपकी क्या राय है? गलत है ना, जाना चाहिए ना कि सच्चा आदमी तो जाना चाहिए भाई मैं सच्चा हूँ, और झूठा तो कौन जाएगा? चोरों को तो जाएगा नहीं, और सच्चा को तो जाएगा। यानी कि लुक के कब तक पार पड़ेगी? दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, आखिर एक दिन तो उसको बंद होना है। मैं बंद हो चाहिए, आप मैं गलत हूँ बंद हूँ, वो गलत है तो बंद होना है तो है ही। आना दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, बंद होना तो है। गलत सही होंगे तो कोई उसका कुछ नहीं करेगा, और गलत होगा तो बंद होंगे वो तो। एक हो जो दस हो, पाँच हो, सात, मैं हो चाहे आप हो, कोई हो। यानी एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये इनके कहने का मतलब यही था। और हमारे साथ और भी लोग हैं कि सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से ईडी के पूछताछ में केजरीवाल जी नहीं जा रहे हैं, अब ईडी कोर्ट के रास्ते पे? देखो, ईडी ने पांच बारी मौका दिया केजरीवाल जी, आप दिल्ली के सीएम हैं, आप आइए, और वो गए ही नहीं।
अब कोर्ट ने जाके ये समन जारी कर रहा है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े घोटाले हैं, शीश महल का घोटाला है, एक के साथ एक फ्री वाले घोटाले, और भी जो इश्तहार लगाते हैं बस स्टॉपों पे करोड़ों का खर्चा, गरीबों को वो इन लोगों को मुहैया कराते, इनके काम आता है, रोड बनते, अच्छी तारों की व्यवस्था होती, व्यवस्था में कुछ नहीं लगाया। हाँ, घोटाला जो कोर्ट ने समन दिया है, कोर्ट ने वो बहुत अच्छा कदम उठाया, अभी एक अब उनको पेश होना चाहिए, अगर वो सही है तो वो उनको डर क्या है। मुझे लगता है इतने घोटालेबाज हैं, सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे, जनता का पैसा जो बर्बाद कर रहा है, हमारा पैसा बर्बाद हुआ, बस स्टॉप में भी इतने इश्तहार देखो, शीश महल को करोड़ों का घोटाला, एक पर्दा 8-8 लाख का, अरे वाह, हमारा पैसा। आप कोर्ट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, मैं कहूँगा जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे सीएम हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सजा जरूर, जनता का पैसा है। संविधान भी यही कहता है, अगर जो कोई आरोपी है जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, और बात ये भी है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आपको जांच में सहयोग भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? आप देखो, मेरा तो ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के 3 विधायक गए हैं ईडी के सामने, वो तीनों जेल में चले गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि भाई मैं भी जाऊंगा तो मैं भी फिर जेल में जाना पड़ेगा। और दूसरा कि नफरत की नीयत से नहीं होना चाहिए, अगर जो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार बीजेपी में उसमें सब विधायक क्लीन चिट हैं, ये हैं, वहाँ पर भी तो भ्रष्टाचार हो रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इतने बड़े उस पर ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार, तो वो भी उनकी तो सरकार है, वो भी और ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भी हो रहा है कि जिन पर आरोप है वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो बच जाते हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसा तो नहीं है कि भाई बीजेपी वाले दूध के धुले हैं सब है, वो भी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, उनकी सरकार है। तो नफरत की नीयत से नहीं होना चाहिए, जो कार्रवाई सही है वो करना चाहिए कि जनता को सही मैसेज जाए कि भाई आप गलत करोगे तो आप भी जेल में जाओगे, आप जनता का पैसा खाओगे तो जेल में जाओगे, मतलब सही तरीके से काम होना चाहिए। जो जांच है, जो कार्रवाई है, निष्पक्ष होनी चाहिए, ना कोई उसमें बड़ा हो ना छोटा हो, ना कोई आम हो ना खास हो। सर क्या कहेंगे जिस तरह से केजरीवाल जी नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, ये तो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, सीएम है दिल्ली के, अगर वो ही नहीं लॉ को मानेंगे तो और आम जनता क्या मानेगी। सर आपका नाम क्या है? राजा सिंह। राजा सिंह ने जो बात कही एग्जाम्पल सेट करने की, कुछ लोग होते हैं जो अगर कुछ कार्य करते हैं तो उनको लोग फॉलो करते हैं, और इन्होंने जैसा ही कहा उन्हें एक चाहिए एग्जाम्पल सेट करना, क्योंकि जिस तरह से वो कहते आए हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, भ्रष्टाचार विरोधी है, तो उन्हें आगे आकर के इस तरह के जांच में सहयोग देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से ईडी लगातार समन दे रही है और केजरीवाल जी नहीं जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आखिर में कोर्ट के द्वारा? जो देखिए सर, मेरे जो मोस्टली आपके शायद पीछे भी काफ़ी इंटरव्यू आपने लिए थे एक दो, तो इंटरव्यू हमारे ऑलरेडी होते रहते हैं। मैं आपको एक क्लियर चीज़ करा दूं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग 2014 के बाद जीना सीखे हैं। 2014 से पहले हम गुलाम थे, ठीक है जी। लोग एलिगेशन लगाती है कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता था हम भूखे नंगे आ गए थे, कपड़े नहीं पहनते थे, गोबर खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, तो ये एलिगेशन लगाना ठीक है पब्लिक का। क्या जी कांग्रेस के टाइम के अंदर ये चीज़ें बम कांड होते थे, बहुत एलिगेशन ठीक था। हमने सरकार इसलिए पलटी थी कि उसका नाम क्या, सरकार काम नहीं कर रही थी, निकम्मी थी, स्कूटी नहीं दे रही थी पब्लिक को, मतलब स्कूटी चाहिए होती। मोदी जी आए, अच्छा काम है, लीडरशिप बहुत अच्छा वर्ल्ड के अंदर हमारे मोदी जी ने नाम कमाया, मगर भाई साहब बेसिक मुद्दों से क्यों भटकाते हैं हमें? बेसिक मुद्दे आपको पता है जनता क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जहाँ पे आप खड़े करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, प्रशासन की नाक के नीचे किसी के अंदर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। जो आवाज़ उठाता है, मैंने आपके चैनल पे लाखों बार ये कहा, आज आप सच बोल रहे हो, आज आपको उठा के थाने में बंद कर दिया जाएगा, आज आप सच्चाई के साथ चलोगे, आज आपको उठा के बंद कर दिया। भाई साहब सच बोलना भी गलत है, ये मेरा कहने का मतलब है। अब जो ये केजरीवाल का मैटर आ गया है तो ये तो 24 के इलेक्शन आ गए तो नेचुरली बात है, मगर हम इस बात का भी एलिगेशन लगाएंगे केजरीवाल पे कि आप जो एक कोर्ट का वो जो सम्मान होना चाहिए आपको पेश होना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं तो आप भाईचारी होंगे, अगर आप गलत हैं तो गलत को डर होता है, सच्चे आदमी को डर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके चैनल पे सच्चाई के साथ बेधड़क होकर बोल रहा हूँ कि इस मार्केट में 50 साल हो गए, भाई साहब आज तक हमें इंसाफ एक पटरी का नहीं मिला, रोजगार का नहीं मिला, और इंसाफ क्या देगा हमारा हिंदुस्तान? ये दर्द यहाँ की है, केजरीवाल जी का विधानसभा है ये, और यहाँ पे आरोप है इस मार्केट में
करोड़ों रुपए का और कई सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो जब ख़त्म नहीं हुआ तो बाकी क्या ख़त्म होगा। कुछ और लोग हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह से ईडी बुला रही है बार बार, केजरीवाल जी नहीं जा रहे हैं, क्या कहेंगे आपकी प्रतिक्रिया? केजरीवाल जी को जाना चाहिए, ईडी के सामने पेश होना चाहिए, उदाहरण दें समाज को कि हम जो है सत्य हैं तो हम आ रहे हैं। उन्होंने तो अब तक ना पेश होकर जो है दुनिया को जो है धोखा दे दिया, लोगों को पता लग गया कि वो चोर है। अब जिस हिसाब से खबरें आ रही है चैनल के द्वारा, न्यूज में, आदमी चोर ही होगा तभी तो डरेगा ना। आप ईमानदार जो है अपने आप को पेश कर रहे हैं तो ईमानदारी की प्रस्तुति दीजिए ना, आप जाइए सच का सामना कीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी आ रहा है जो आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी ईडी, और लोकसभा चुनाव में एक तरफा दिल्ली में बीजेपी को फायदा होगा। क्या इसलिए भी ये कार्रवाई हो रही है राज्य? ऐसा नहीं है, कोर्ट अपना काम करता है, जो जुडिशल होती है ना वो न्याय करती है, वो मंदिर है न्याय का, तो हमें उस पर भरोसा है, जो गलत होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारा पैसा बर्बाद हुआ ना, हमारे लिए क्या काम करा उन्होंने, रोडों की व्यवस्था, बिजली की तारों की व्यवस्था, वेंडर्स की प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, रोजी रोटी सबको चाहिए, सबके मौलिक अधिकार हैं, वो उन्होंने पूरे नहीं करे, तो मुझे कहते हैं ना गलत कामों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और किसी भी चीज़ का टैक्स भरते हैं, उस पैसे का जब घोटाला हो तो दर्द आम इंसान को ज़रूर होगा। शायद यही वजह है, एक गुस्से के तौर पर यहाँ के लोग बोल रहे हैं। कई वर्षों से इनकी केंद्र से यहाँ सरकार है दिल्ली में। हाँ सर, मैं आपके ना एक जो आप रिपोर्टर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मगर मैं ना आपके एक जो चेहरे पे आज मीडिया का जो नकाब लग गया है, जब भी हम इंटरव्यू देते हैं कई तो मेरा इंटरव्यू ही काट देते हैं, बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी, तीन जगह मीडिया डिवाइड हो गई है, तो ये मैं इस देख रहा हूँ लोकतंत्र के अंदर। अभी मैंने कई वीडियो इशू करे, खुले आम प्रशासन, हम जैसे कहते हैं कि आप 4 लाख रुपए किस चीज़ का मांग रहे हैं, ये तुम्हारे बाप की जगह है या तुम्हें गवर्नमेंट की जगह का, 4 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं प्रशासन, सामने नहीं आते दलाल जो छोड़े हुए उन्होंने, यार सीनियर दलाल है, सामने नहीं आएगा प्रशासन, दलालों के थ्रू 4 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, अरे तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन है या खेत की जमीन है, ये सरकार ने हमें, कोर्ट ने दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, हाई कोर्ट ने दे रखा है कि आप अपनी दाल रोटी कमाइए, आप क्या हक है आपका कि हमसे रिश्वतें मांगने का, हम उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, कहते हैं डॉक्यूमेंट्स खुराना साहब आप ना, मैं गलत लैंग्वेज ना बोल के आप समझ गए मेरी बात को, कहते हैं हमें गांधी जी नजर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते। यानी इस मार्केट में, सरोजनगर मार्केट में भ्रष्टाचार काफी हद तक है और वो आज तक खत्म नहीं हुआ। लास्ट वन हम कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि उसका नाम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार पे लगाम, मोदी जी लगाम आप बड़े लोगों पे लगा रहे हो, भ्रष्टाचार जो रेगुलर भ्रष्टाचार है इस मार्केट में आज तक हमने नहीं देखा, इतना भ्रष्टाचार 50 साल हमें भी हो गए। जय हिंद जय भारत। चलिए, तो ये यहाँ के दुकानदार थे, इनका ये कहना था कि खुद अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में भ्रष्टाचार हो रही है, और सवाल भी यही उठ रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई थी। सर अब आखिर में अगर बात करें तो क्या लगता है 17 तारीख को जिस तरह से वो कानूनी मदद ले रहे हैं उनको जाना चाहिए? देखो उनको जाना चाहिए, अगर वो सच्चे हैं तो उनको क्या डर है, कोर्ट के सामने उनको पेश होना चाहिए, और जो उन्होंने गुनाह करे हैं वो कोर्ट साबित करेगा, और मैं जनता का पैसा जो बर्बाद हुआ आप देख रहे हैं ना, उनको चाहिए था रोज़गार देना, उनको चाहिए था भ्रष्टाचार दूर करना, उनको चाहिए था अपने इलाके में काम करना और जनता से जुड़ना, ये नेताओं का काम है, पर वो अभी तक जुड़े नहीं। हाँ, बस स्टॉपों पे इश्तहार बड़े हैं, पब्लिसिटी बड़ी हुई है, एक के साथ एक दो बांटी, लोगों को बर्बाद करा, घर बर्बाद करे, एक के साथ एक फ्री, और शीश महल, हमारा पैसा बर्बाद हुआ, ये उनको नहीं करना चाहिए था, अब कोर्ट ही न्याय करेगा। मैं कोर्ट से प्रार्थना करता हूँ, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और वो सब कोर्ट के सामने सच्चाई आ जाएगी। आप क्या कहते हैं सर, कोर्ट में जाना चाहिए उन्हें? बिल्कुल जाना चाहिए सर, 17 तारीख को जो उनको पेश होना है वो होना चाहिए उन्हें? बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि जनता अगर नहीं जाओगे, आप 5 बार अगर आपको संबंध आ गया आप नहीं जाओगे तो आपको चोर समझेगी, भ्रष्टाचारी समझेगी, इसलिए मेरे ठीक है वो कुछ भी करें, फिर जेल जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लोग बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, पर अपनी बात रखनी चाहिए जी, हम निर्दोष हैं या जैसे भी है, अब 5 बार आपका जो संबंध जा रहा है उसके बाद आप नहीं जा रहे तो आपको पहले ही लोग आपको भ्रष्ट समझ लेंगे।
तो ये तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो इनको तो मतलब उदाहरण ऐसा सेट करना चाहिए कि हाँ भाई हम करेक्ट हैं जैसे भी हम, तो उदाहरण सही रखना चाहिए इनको। आप बताइए सर, जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए उनको, जो है ये पहली बार हो रहा है। अभी आज 20 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ तो MP MLA के अगेंस्ट कोई केस ही नहीं होता था। पहली बार BJP की केंद्र में सरकार आई, तो आज जो है कुछ MP और MLA जो है जेलों में सड़ रहे हैं। लोगों को विश्वास हो रहा है कि कानून हमारे देश का बदल रहा है। जो अंग्रेज़ों को बनाया है वो कानून था जो गरीबों पे लागू होता था, अब रईसों पे लागू हो रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है और केजरीवाल जी को इसका सामना करना ही चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली बस आम आदमी पार्टी के नेता ही जेल जा रहे हैं, क्या BJP में भ्रष्ट नहीं होगा? BJP में तो भ्रष्टाचार हो रहा होगा। तो हर जगह मतलब अपना सेट होना चाहिए, गवर्नमेंट को, ED को, BJP अगर जो गड़बड़ कर रही है तो BJP के नेताओं को भी अंदर डालो। ये थोड़ी कि भाई अरविंद केजरीवाल ही चोर है या सारे उसके विधायक चोर हैं। देखो तो जो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, कार्रवाई सभी के खिलाफ होनी चाहिए। केजरीवाल जी के विधानसभा से ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर सच्चे हैं तो उन्हें ED के सामने जाकर अपनी बात रखनी चाहिए और जो भी होगा आगे चल के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।